एक भवन अलग से दिखाई दे रहा है, मंदिर अलग से दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने कहा वाह, यहां विभीषण जी रह सकते हैं, बस कंफर्म हो रहा। क्यों? बोले नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। पूरे लंका में तुलसी कहीं नहीं मिली, लेकिन तुलसी का दर्शन यहीं हो रहा है। अच्छा, सूखी नहीं है तुलसी, हरी भरी है। तुलसी कैसी है? हरी भरी। अच्छा बोलो भैया, हरी भरी तुलसी किसी के दरवाजे पर दिखाई दे तो कंफर्म होता है कि इसके अंदर लोग रहते हैं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुलसी जिसके दरवाजे के बाहर है कंफर्म हो जाता है कि भक्त परिवार है? क्यों भाई, कंफर्म हो जाता है कि ये भक्त परिवार है। तुलसी है, हरी भरी तुलसी है, रोज तुलसी में पानी डाला जाता है। माताओं, बहन बेटियों, तुम तुलसी में पानी डालती हो कि नहीं डालती हो? जल देती हो तुलसी को? हाँ, सब कह रही हैं तुलसी सूखी तो नहीं है, हरी भरी तुलसी रहना चाहिए। तुलसी से क्या है? बोले तुलसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तुलसी के, तुम तुलसी की सेवा करना, भगवान अपने आप आ जाएंगे। तुलसी की सेवा करो, भगवान अपने आप आ जाएंगे। बिना तुलसी के भगवान रह नहीं सकते हैं, इसलिए घर घर में तुलसी। और तुलसी एक औषधि भी है। तुलसी जहाँ रहती है वहाँ रोग नहीं आते हैं, और तुलसी जहां रहती है वहां भगवान आते हैं, इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। ताप हरत तुलसी जगत, तम हर करत प्रकाश, दो उतारण तरण है तुलसी तुलसी दास। इसलिए विशेषता है तुलसी और तुलसीदास की। तो ध्यान से सुनना, हनुमान जी ने देखा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। यही सन हट करी हो पहचानी, और साधुते हो इन कारज हानि। हनुमान जी ने कहा बात समझ में आ गई, इसी के अंदर साधु रहता है, इसी के अंदर संत रहता है। अब हमें जरूर जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। लेकिन समय क्या था? समय अर्धरात्रि का समय है। कौन सा समय है? अर्धरात्रि का। इसमें भी हम एक हस्ताक्षर कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, रामायण पढ़ लेना। आप कहो महाराज टाइम की बात तो कहीं लिखी नहीं है, आप जबरदस्ती टाइम की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हमने तो रामायण पढ़ी है, तुम भी पढ़ते हो लेकिन तुम समझते नहीं हो। और हमने रामायण पढ़ी है, हमने समझा है, उसमें टाइम का अनुमान लगा लो। अनुमान, अनुमान कैसे लगाया जाएगा? हनुमान जी ने समुद्र पार किया, नंबर वन बात सुनना। सबसे पहले हनुमान जी ने समुद्र पार किया, और समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज एक पहाड़ पर चढ़ गए, पर्वत पर है। और जैसे ही पर्वत पर हनुमान जी चढ़े तो उसी समय पुर रखवारे देख बहो कपि मन कीन विचार, अति लघ रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अति लघ रूप धरो निसी, निसी मानी क्या है? निसी मानी रात्रि। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब है दिन था तो हनुमान जी इंतजार किसका कर रहे हैं? जल्दी बोलो, रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। अब यहां एक शंका आ गई है, समाधान ले लो, बहुत बढ़िया बात। अपरिचित नगर हो, उस नगर में दिन में जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए कि रात्रि में? जल्दी बोलो ना, गलत बोल रहे हो, दिन में ही जाना चाहिए। रात्रि में पिटाई हो जाएगी, ऐसी पिटाई होगी रात्रि में, पकड़े जाओगे कहीं, याद आ जाएगा। अपरिचित गांव है, उसमें आप दिन में जाइए। दिन में जाइए तो लोग शंका नहीं करेंगे, पूछेंगे जरूर कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, क्यों आए हो, भैया कोई बात है? और रात में घुस रहे तुम 10-11 बजे, हैं? 10-11 बजे रात में घुसे हो, किसी ने खिड़की से देख लिया, हल्ला कर दिया तो लगा चोर चोर चोर, डाकू डाकू, चोर चोर, फालतू का काम हो जाएगा। इसका मतलब यह है। अच्छा, और दूसरी बात, रात्रि में चोर प्रवेश करता है, महात्मा प्रवेश नहीं करता है। कौन करता है प्रवेश? चोर करता है। अच्छा, समय जब था तो रात्रि का क्यों इंतजार किया गया? समय तो था, रात्रि का इंतजार नहीं करना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी ने रात्रि का इंतजार किया। क्यों किया? इसलिए कि हमें साधु की खोज करनी है। किसकी खोज करनी है? साधु की खोज करनी है। और याद रखना, दिन में जाऊंगा तो वास्तविकता का पता ही नहीं चलेगा कि कौन साधु कौन राक्षस। समझ गए हो कि नहीं? दिन में तो सब सज्जन ही ना बने रहते हैं। दिन में जितने से भी बात करो वो सज्जन
मेरे समान कोई सज्जन है ही नहीं। क्यों भाई सज्जन? लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, किसी की वास्तविकता को अगर समझना है तो जरा रात्रि में जाकर के देखो कि इसमें वास्तविकता क्या है। दिन में तो सब अपने दोषों को छिपा लेते हैं, लेकिन रात्रि में उनके दोष क्लियर हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं कि नहीं? रात्रि में क्लियर, हम तो अनुभव किए बैठे हैं। एक बार हम चले गए स्टेशन पर, उतरे थे ट्रेन से, तो पास में ही चेले का घर था। पहली बार चेला बनाया था, 6 महीने पहले आए थे तो बना के चले गए। अब हमने कहा स्टेशन के पास में घर है, अब परिचित का घर है तो रात्रि में जाने में क्या दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? तो हमने एक सज्जन को फोन लगाया, मैंने कहा कि तुम्हारा घर कितनी दूर है? बोले महाराज जी हमारा तो स्टेशन से दूर है घर। मैंने कहा वो फलाना चेला बना था साथ में, उसका घर? बोले स्टेशन के पास ही है लेकिन रात में मत जाना। हमसे यही बोला, बोले रात में मत जाना, पास में तो है लेकिन हम जानते हैं रात में मत जाना, हमारा दूर पड़ता, अगर आप आ सकते हो कोई साधन। हमने कहा स्टेशन पर उतरे, हम साधन स्टेशन पर तलाशें तब ना, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कहा कि अब पास में है, क्या दिक्कत है? वो हमारा चेला, तुम दोनों साथ ही तो बने थे, पास में ही तो है, अब चले जाएं उसके घर में। बोले महाराज जी वो रात्रि में ठीक नहीं है। अरे हमने कहा तुम बेवकूफ आदमी हो, चेला के यहाँ ठेक भी ठेक क्या है, क्या वो हमको पहचानेगा नहीं? बोले महाराज जी तो ठीक है, आप टच कर लो थोड़ा सा। और हम जैसे ही प्रवेश किए, हमने कुंडी खटखटाई तो वही निकला। जैसे ही निकला तो अब हमने चूंकि पहले ही से कह दिया कि खुश रहो, प्रसन्न, देखते ही क्या कह देते, हमने कहा जैसे किवाड़ खोले, हमने कहा बेटा खुश रहो खुश रहो, तो बोला तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा खतरा है इस घर में, हमने कहा इस घर में खतरा है, भागो यहाँ से। क्यों भाई? क्योंकि वो होश में ही नहीं था, वो यही नहीं समझ रहा था कि कौन आया मेरे दरवाजे पर, समझ में। अच्छा एक बात बताओ, दिन में तो उसने इतनी आरती की थी, इतनी पूजा की थी, इतनी मालाएं पहनाई थी, हम आपको क्या बतावें? आज तक वो मालाएं ऐसी अभी तक नहीं पहन पाया मैं, कहां से फूल लाया था, बड़े बड़े फूल हैं। लेकिन जब हमने देखा कि रात्रि में उसकी वास्तविकता क्या है, तब समझ में आया कि असलियत कब समझ में आती है व्यक्ति की? रात्रि में समझ में आती। हनुमान जी ने कहा संत की तलाश करनी है, इसलिए गुण दोष का मूलांकन यदि हो सकता है, असली मूलांकन, तो वो रात्रि में हो सकता है, इसलिए मैं रात्रि में प्रवेश करूंगा। समझ में आई बात कि नहीं? किस भाव से? संत की तलाश, गुण और दोष का मूलांकन करने के लिए। हाँ बेटा देखो ये बच्ची आई है मेरे मंच पर, इसके माता पिता खो गए हैं, तो जहां भी हो इनके माता पिता का तुम लोग पता लगाना। और चिंता मत करो, अभी 10 मिनट के बाद मैं वाणी को विश्रामित कर रहा हूँ, 10 मिनट तक बच्ची हमारे संरक्षण में रहेगी, यही मंच पर रहेगी, कोई व्यक्ति संभाले इसको, बेटा तुम ही संभालना, या कोई माता से कह दो कि कोई माता संभाले इसको, चुपाए। बेटा चिंता मत करना, सब लोग तुम्हारे घर के हैं, परिवार के हैं, यहाँ क्षेत्र के हैं, बेटी चिंता मत करना, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा? अब समझ लिया है, अब थोड़ा सा ले जाओ, है ना? कठौतिया, कठौतिया की है बच्ची, ठीक है ना बच्ची? है सतीश कौरव की बच्ची है, कठौतिया की है, इसलिए कठौतिया के जो लोग बैठे हों थोड़ा सा समझ लें और इस बच्ची को परिवार तक पहुंचाएं, या भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो माताएं बैठी होंगी कहीं कठौतिया की, तो वो समझ लें। और कोई ऐसी बात, आइए सुनिए मुख्य बात सुन लो जरा, नहीं तो फिर बातों बातों में चला जाएगा, 12:15 बजने वाले हैं, समझ गए हो कि नहीं? बातों बातों में ही पूरा, भीड़ भाड़ के कारण बच्चे खो जाते हैं थोड़ा सा, वैसे वैसे बैठी होगी माँ, बैठी होगी, परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर बैठा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आओ ध्यान से सुनो, चर्चा कहां चल रही थी जरा याद दिलाओ। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छी बात। देखो हम भूले उले कुछ नहीं है, हम तो परीक्षा ले रहे तुम्हारी कि तुम सुन रहे हो कि खाली बैठी भरो ऐसे। लेकिन तुमने तुरंत कहा, जिस बिंदु पर हम बोल रहे थे पॉइंट तुमने बता दिया, हम भूले कहां? हमारा रोज का अभ्यास है। अच्छा रोज का अभ्यास है, हम भूल जाएंगे क्या? बोलो भाई कभी नहीं भूल सकते, कथा तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि रोज ही कह रहे हैं और 50 साल हो गए कहते कहते, तो हम कहाँ से भूल जाएंगे? इसलिए परीक्षा लेते हैं हम बीच में कि सुन भी रहे हो कि खाली वैसे ही बैठे हो। इसलिए बहुत अच्छे श्रोता हैं, ऐसी श्रोताओं की जरूरत है। भीड़ तो और जगह मिल जाएगी, लेकिन श्रोता इतनी बड़ी भीड़ में श्रोता नंबर वन, बहुत अच्छे श्रोता, सजग प्रेरी की तरह श्रोता है, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है। तो आओ ध्यान से सुनो, जरा समझने की कोशिश करना। हनुमान जी ने कहा गुण दोष हमें देखना है, जहां पर वास्तविकता पाई जाएगी
वहीं पर संत की पहचान हो जाएगी। तो आज आप विचार करना, रात्रि में ये पहचान हो गई। क्या पहचान हुई? एक तो तुलसी का दर्शन है, और पास में जब हनुमान जी पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही थी, राम 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 राम। पूरी लंका में जहां मंदिर थे वहां से राम की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन यहां राम राम राम। बोलो भाई, सो रहा है लेकिन श्वासाओं से शब्द क्या निकल रहा है, सोचो जरा, राम 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 राम। बोलो पहचान हो गई कि नहीं हो गई? हो गई पहचान कि नहीं? हनुमान जी ने पहचान कर ली, यही सनहट करी हो पहचानी, ओ साधु ते हो इन कारज हानी। अब मैं हट करूंगा, संत है, आवाज आ रही अंदर से, राम 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 राम। मन मह तरक करे कपिलागा, ओ ते ही समय विभीषण जागा, राम राम तही सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीना। और जैसे ही विभीषण जी महाराज राम राम कहकर जगे, और बाहर से आवाज सुनाई दे रही थी, अरे लंका में बाहर से राम राम की आवाज आ रही है, कौन आ गया ऐसा जो राम राम कहने वाला लंका में? विभीषण जी ने तुरंत किवाड़ खोले, और जैसे किवाड़ खोले तो सामने देखा, आहा, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, लंका में आए हो लेकिन कोई परेशानी तो नहीं हुई है? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कुशलता पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, रात्रि में अगर कोई पूछे आपसे कि आप ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई है, और अपरिचित हो, परिचित बात नहीं, अपरिचित हो, और आप अपरिचित से ये पूछें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, ईमानदारी के साथ बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बाहर के व्यक्ति को तसल्ली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी तसल्ली कि नहीं? संवेदनशील क्षेत्र है लंका का, कर्फ्यू दिन रात लगा रहता है रावण के कारण, लेकिन ऐसी कंडीशन में विभीषण निकल के हालचाल पूछ रहा है, बोलो ये लक्षण किसके हैं? संत के लक्षण है कि नहीं? बोलो हैं संत के लक्षण कि नहीं? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। आज सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कोई अगर दिन में भी कुंडी खटखटाता है और आपके दरवाजे बंद, आजकल ज्यादातर लोगों के दरवाजे बंद रहते हैं, और शहरों में तो रहते ही रहते हैं, अब देहातों में भी जो प्रभावित करता जा रहा है, तो जो स्पेशल रिजर्व माइंड के लोग हैं वो अंदर से कुंडी बंद की रहते हैं, और बाहर से कोई खटखटाता है बुलाता है तो अपने बच्चे को भेज के कहते कि जाओ कह दो पापा है नहीं। अब छोटा सा बच्चा आता है, किवाड़ खुलता है, कहता पापा कह रहे, कह दो पापा है नहीं। वो तो सही बोलेगा बेचारा, सीधा साधा लड़का है छोटा सा, वो तो साफ बात कहेगा। लेकिन याद रखना, विभीषण जी वो महान संत हैं जिन्होंने अपनी बेटी को सीता जी की सेवा में भेज दिया है कि जाओ तुम सीता माता को तसल्ली देना, उनकी सेवा करना। त्रिजटा नाम राक्षसी ये का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री है, उससे कहा कि जाओ तुम सीता जी की सेवा करना। त्रिजटा आज सीता जी की सेवा में लगी हुई है, और स्वयं आज जाग रहा है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ। हनुमान जी ने कहा कोई परेशानी नहीं है, आपका दर्शन हो गया, बस मेरे जीवन की यही धन्यता है, आपका दर्शन हो गया। विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले आज मुझे भगवान मिल गए, भेष बदल के आ गए, भगवान मिल गए। बोलो क्या कह रहा है विभीषण? भेष बदल के आ गए नारायण, मुझे राम मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। हनुमान जी ने कहा ना 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 ना, ऐसा मत कहो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान ऐसा बिल्कुल मत बोलना, अरे रे रे अपराध हो जाएगा। विभीषण जी कहते हैं कि तुम राम, कितनी बढ़िया भाषा, बोलो भाई आनंद आ रहा है कि नहीं? है सुन के ही आनंद आ रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी,
तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़भागी। आज मुझे धन्य धन्य करने के लिए आप आए हैं, आप मुझे धन्य धन्य कृत कृत करने के लिए आए हैं, आप राम हैं। भेष बदल के आए, मेरा भजन प्रभाव कर गया, मेरा भजन आज काम आ गया, मेरे भजन ने आज राम से मिला दिया है, लंका में राम मिल गए मुझे, साक्षात प्रभु राम खड़े हैं, भेष बदल के आए हैं लेकिन हैं राम। हनुमान जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं राम नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा तो राम के दास हो कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अस होई। या तो आप राम हैं नहीं तो राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं हूं, फिर सही बताओ कौन हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के दासों का दास दासानुदास हूं। क्या हूं? दासानुदास हूं, ये परिचय दिया है।